हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। फ्यूचर में होने वाले दुर्घटना को इंश्योरेंस नहीं रोक सकता, बट वो उस फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें इंश्योरेंस कंपनी करती है। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है। इंश्योरेंस कंपनी और जिसने इंश्योरेंस लिया है उस व्यक्ति के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाती है, और उसके मुताबिक इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ते हैं, उसे प्रीमियम कहते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे और कब पे करना है उसकी पूरी डिटेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी जाती है, और कितना इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो अमाउंट हमने कौन सा इंश्योरेंस लिया है उस पे तय होता है। फ्यूचर में आपको लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी करती है, पर वो लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखे गए टर्म और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही आपको उसके अमाउंट मिलती है। अब हम जानेंगे इंश्योरेंस के टाइप। इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंडर मोटर व्हीकल, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड द क्रॉप इंश्योरेंस, ये सभी इंश्योरेंस आते हैं। लास्ट में एक बात ध्यान में रखो दोस्तों कि इंश्योरेंस पॉलिसी में दिए गए टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़ना मत भूलना।